नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से एमएस वर्ड 2019 में डिज़ाइन टाइप के अंतर्गत आप किसी भी थीम को सेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हमें कुछ थीम्स मिलती हैं जिनमें फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल अलग अलग तरह से सेट होती हैं। इन थीम्स की सहायता से आप डॉक्यूमेंट को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। चलिए हम आपको डॉक्यूमेंट में थीम सेट करना बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करें, और यदि हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। एक्सेल इन्फोटेक के द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रो, फोटोशॉप, टेलीप्राइम इत्यादि की प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट लिया हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में हम डिज़ाइन टैब के थीम ऑप्शन और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका हम अच्छी तरीके से आपको यूज़ बता पाएँ उसके लिए हम सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे होम टैब पर। होम टैब पर जाने के बाद अपनी हेडिंग को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे टाइटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से इस टाइटल को सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया। इसको टाइटल बनाने के बाद नीचे की तरफ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसे हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर लिया। हेडिंग 2 में कन्वर्ट करने के बाद नीचे के पैराग्राफ को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे सब टाइटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर सब टाइटल सेलेक्ट कर लिया। सब टाइटल में चेंज करने के बाद अब हम चले जाते हैं वापस से अपने डिज़ाइन टैब पर। डिज़ाइन टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा थीम का। इस थीम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे थीम्स दिखाई देंगे जिसकी मदद से आप इसे किसी भी थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस भी थीम पर हम अपना कर्सर लेकर जा रहे हैं आप देखेंगे उस थीम का प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी थीम आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस थीम पर सिंपली आपको जाकर के सिर्फ क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका थीम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद थीम वाले पार्ट पर वापस से क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, रिसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट्स। अगर आपने यहाँ पर थीम को अप्लाई किया हुआ है और अब आप ये चाहते हैं कि जो भी थीम आपने अप्लाई किया हुआ है उसे आप यहाँ पर रिसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर की थी वो सभी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिसेट हो जाएगी। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और दिखाई देगा, ब्राउज फॉर थीम का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहां से कोई भी थीम इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी थीम इंटरनेट से डाउनलोड की हुई है और उस थीम को यहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके उसे यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव करंट सिलेक्शन का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने इस फॉर्मेट को सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद यहां से हम इसमें से कोई भी थीम अप्लाई कर लेते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद यहां आपको दिखाई देगा कलर्स का ऑप्शन। कलर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और इस कलर का आप इफेक्ट देखेंगे आपके हेडिंग पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पर जिस भी फॉर्मेट पर जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जा रहा है और आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस भी स्टाइल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसपे आप क्लिक करके इसे जिस भी फॉन्ट में चेंज करना चाहें यहाँ से आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मेट को सिलेक्ट करना होगा और फॉन्ट पे जा करके यहाँ पे इसे अप्लाई करना होगा। यहाँ से आप जिस भी फॉर्मेट पर कर्सर को लेकर जाएंगे आप देखेंगे उसका प्रीव्यू आपको साथ के साथ यहाँ पर दिखाई देता चला जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है पैराग्राफ स्पेसिंग। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा नो पैराग्राफ स्पेस का। इस पर अगर आप अपने कर्सर को रखेंगे तो यहाँ पर आपके पैराग्राफ और आपकी हेडिंग के बीच में कोई भी स्पेस यहाँ पर नहीं होगा। कॉम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका डेप्थ दिखाई देगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो बिफोर है वो 0 PT है, आफ्टर 4 PT है और लाइन स्पेसिंग आपका 1 है। इसी तरीके से अगर आप टाइट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो टाइटली एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे बिफोर आपका 0 PT है, आफ्टर आपका 6 PT है और लाइन स्पेसिंग 1.15 है। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको आपका डॉक्यूमेंट का स्पेस यहाँ पर दिखाई देगा।
और यहाँ पर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कॉम्पैक्ट का हो, चाहे टाइट का हो, चाहे ओपन का हो, चाहे रिलैक्स्ड का हो और चाहे डबल का हो। और यहाँ डबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लेंस के बीच में डबल लाइन का स्पेस यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट का ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा यहाँ डिफॉल्ट फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।